बारी चलो चलो बारी चलो अभी नहीं आ रही ट्रेन। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहा है सुबह के 10 और मैं उठ चुका हूँ और आज नबील भाई पुणे जा रहे हैं, आज ही की ट्रेन है उनकी, तो उसी की सब तैयारी चल रही है और जो भी नबील भाई अभी उसी की तैयारी करने गए, कुछ सामान लेने गए जो भी बचा हुआ है। फिलहाल अपन करते हैं नाश्ता और नाश्ते में देखते हैं कि क्या बना है। तो नाश्ते में बेहतरीन हमारे चाय और टोस्ट, बेहतरीन। तो नाश्ता वगैरह तो हो चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भाई के जाने का सामान रखा हुआ है, ये उनका बैग है और कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं यहाँ पर कि सफ़र में वो कुछ खा लें, और ये भाई के फ़ोन के केस और उनका ट्रिमर और यहाँ पर कपड़े वपड़े, टॉवल, छोटा टॉवल और ये सब अच्छा सामान, टोस्ट वगैरह, ये कंबल, चादर और ये कुछ सोप वगैरह। और यहाँ पर अम्मा आज मेथी बनाएंगी, देख सकते हैं आप, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई की जाने की खुशी में अम्मा मुझसे मेथी तोड़वा रही हैं, जो कि सिर्फ मुझे करना पड़ रहा है, बताइए मेथियाँ तोड़ लूँ मैं यहाँ पर, मम्मी अकेली पड़ जाती है ना, इसलिए मुझे भी मेथी तोड़वाना पड़ रही है। क्या करें भाई साहब, यही है, यही होता है जब आपकी कोई बहन नहीं होती। हालांकि बहन होती भी तो क्या हुआ, काम तो करवाना चाहिए ना, है कि नहीं। तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ रायल भाई को उनके स्कूल से, तो चलिए रायल भाई को लेने चलते हैं। तो रायल भाई के स्कूल तो आ चुके हैं और अभी रायल भाई की छुट्टी होने में 5 मिनट बाकी हैं, तो अपन जब तक रायल भाई का वेट कर लेते हैं और फिर वो जैसे ही आते हैं अपन चलते सीधा घर। तो आए रायल भाई भी आ चुके थे, आज इनकी प्रैक्टिस थी, कल स्पोर्ट्स डे तुम्हारा, थक गए होगे प्रैक्टिस करते करते, हैं? एक ही बार तो पीटी हुई, एक ही बार हुई। अब कल फाइनल है, हैं? स्पोर्ट्स डे कल, कल अच्छे से करना है, तो चलें आप घर। हाँ। चलो भैया भाई को स्कूल से तो ले आए हैं और यहाँ पर नबील भाई के बैग भी पैक हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, एक बैग ये है, एक बैग ये है और एक बैग ये है। और सभी भाई भी आ गए, बेटा बोर्ड एग्जाम है पढ़ लो, बड़े आए। और यहाँ पर रायल भाई लेटे हुए हैं, थक गए, चलो क्या? सो जाओ थोड़ी देर। दिखाओ, लेके आओ यहाँ पर। तो यहाँ पर रायल कैसे नबील भाई के साथ चिपक के बैठा है, क्योंकि नबील भाई अब बस थोड़ी देर में ही जाने वाले हैं, थोड़ी देर में ही नबील भाई की ट्रेन है। दोनों भाई कैसे बैठे हुए हैं। हमारा न्यू फोन, वाव, सैमसंग का, क्या ये खराब है, इसको भाई ने ठीक कराने का बोला था, ये वही फोन है, चल ही नहीं रहा। इसकी स्क्रीन बदलवाने गए थे हम और नबील भाई घोड़ा निकास, पर बदली नहीं, मिली नहीं रही, J5 प्रो है ये। तो अब लग रही है बहुत तेज भूख, तो चलिए खाना खाते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या बना है आज। तो खाने में यहाँ पर कीमा मेथी, पूरी और अचार, तो बहुत टेस्टी है, मजा आ जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्ट रानी कमलापति स्टेशन पे आ गया, क्योंकि मुझे नानी की तरफ से कुछ काम था और तो मैं डायरेक्ट स्टेशन ही आ गया वो सामान लेके। और अब नबील भाई आ रहे हैं, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो नबील भाई का वेट कर लेते हैं। नबील भाई यही वाले स्टेशन से आ रहे हैं पुणे, रानी कमलापति स्टेशन से, तो जैसी नबील भाई आते हैं फिर अपन अंदर चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको ड्रॉप करते हैं फिर अपन चलते हैं अपने घर। जो ये नया स्टेशन इन्होंने बनाया है, ये पहले हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था, अब इसको रानी कमलापति स्टेशन बना दिया है। और ये नया वाला डेवलप्ड एकदम रानी कमलापति स्टेशन, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा कर दिया, अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। और अभी अपन अंदर चल के देखेंगे कि कैसा बना हुआ है। भाई तो आ चुके हैं यहाँ पर और सामान लेके आ रहा है, ये हमारे जैद भाई हैं, ये हमारे जकरिया भाई हैं, सब नबील भाई को ड्रॉप करना है, तो चलिए अंदर चलते हैं अब। अंदर से कुछ ऐसा है हमारा रानी कमलापति स्टेशन, और ये पंखा देखिए आप कितना बड़ा है, पूरा एयरपोर्ट जैसा लुक दिया हुआ है, एकदम बंसल ग्रुप ने बनाया है, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल है अंदर से, और बहुत बड़ा भी है ये, मैं पंखा देख के बड़ी बेचैनी हो रही है, इतना बड़ा पंखा, खतरनाक। ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म से, तो अभी अपन को प्लेटफॉर्म पे चलना है और हमारी भाई की ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो अंदर चलते हैं। देखिए आप पूरा एयरपोर्ट जैसा लोगे, जॉकी की शॉप भी है और यहाँ पर अदर बहुत सारी शॉप्स हैं, स्नैक्स की शॉप है, देख सकते हैं आप। और वेटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है यहाँ का, देखिए आप अच्छी सीट्स हैं, और देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बना है ये रानी कमलापति स्टेशन। तो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, चलो भारी चलो, अभी नहीं आ रही ट्रेन, ट्रेन को जाने में अभी टाइम है, तो थोड़ी टाटा बाय बाय कर लेते हैं, सामान रख दिया, सामान की दिक्कत आती है, सामान भी अच्छे से रख दिया, अच्छे से रखवा दिया। अपन नबील भाई जा रहे हैं अब, और देख सकते हैं आप, मैं भी ज़रा गले मिल लूँ थोड़ा,
शुक्रिया का करिए भाई। कई ट्रेन में बैठ चुके हैं, हम नवी राय चले आएंगे और अपन चलते अपने घर। अच्छे से जाइएगा भाई, बाय। तो नवी भाई को स्टेशन छोड़ने के बाद आ गया था मैं घर और सीधा नहाने चला गया था, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज गर्मी और धूप भी बहुत तेज थी। लल्लू बन गए थे मैं पूरा, और नवी भाई को भी छोड़ दिया, उनकी ट्रेन भी चलती है, खैरियत से इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और राय लम्बा कैसे रो रही थी? हाँ इधर इधर भी इधर ही बता दो, एक्शन करके बताएगा। ऐसे रो रही थी। और तुम? ये तो हंस रहा था, ऐसे हंस रहा था। और सभी भाई ये ऐसे डांस कर रहे थे, चलेगा ये नवी भाई। बहुत शानदार यार। तो ऐसा हुआ, फाइनली नवी भाई चले गए, अब देखते हैं कि कब आएंगे। और अब क्या करोगे तुम राय? हैं हैं रात को सोते थी ना उनकी वीडियोस, क्या अंदर की नहीं बना पाई क्योंकि अंदर हो गई थी बहुत तेज भीड़। अंदर मतलब थोड़ी बहुत बनी है अंदर की, ऐसी नहीं बनी, खास नहीं बनी, क्योंकि बैग वैग सब घुस रहे थे तो गेट के आगे सब आ रहे थे, तो इसलिए अंदर। पर शाम की चाय का वक्त हो चुका रायल भाई। अरे यार ये क्या हो गया, आज ओरियो नहीं खा रहा है तुम? पैसा नहीं, मुझे पैसा नहीं पैसा वेस्ट नहीं करना मुझे। अच्छा पैसे वेस्ट नहीं करना, वाह यार आप तो बड़ा लालची हो। वेरी गुड बॉय। मैं काय का लालची हूँ? अरे यार पैसा है, 20 रुपए के चिप्स लाओ ना, ये ले 20 रुपए, चला भी ले चिप्स ला। खुद भी तो जल्दी से भागते हुए लाते हो, जैसे 10 रुपए मिलते हैं। खुद का नहीं बोल रहा है, हमारा बोल रहा बड़े आए। हाँ तो आज लाए क्या? मैं क्यों, 20 रुपए का कुरकुरे आज पहली मिल गए इसलिए तुम लाए नहीं, और कोल्ड ड्रिंक मिल गई थम्सअप, तो काय को दूसरी चीज? तो थम्सअप ही है वो कोका कोला नहीं है, थम्सअप है वो। अच्छा। जी हर काली कोल्ड ड्रिंक कोका कोला नहीं होती, समझ गए? बाप को भेज तो ना हो पाएगा। समझ में नहीं आया क्या? बाप को भेज तो ना हो पाएगा, बाप को मत से कम उससे नहीं हो पाएगा। बाप को भेज मुझसे नहीं हो पाएगा, अबे बताऊंगा अभी, अभी मेरे अम्मा अंदर ही हैं, अभी आ जाएंगे ना, समझ लेना। फिर खतरनाक, तभी तो उनको बुला रहा हूँ। अकल है क्या यहाँ पर? वो दिमाग ही नहीं रखा हुआ। तुम में बहुत अकल है। हाँ बहुत अकल है, तभी तो मुझे पता है मेरे बाप। चाय टोस्ट खाओ, चाय टोस्ट खाओ। रात के खाने का टाइम और बहुत तेज भूख लग रही है, तो चलिए खाना खाते हैं और देखते हैं खाने में क्या है। वैसे तो दिन में जो खाना था वही है, में आप देख सकते हैं यहाँ पर फिश भी ऐड हो चुकी है और कीमा और ये पूरियां जो कि बहुत मजे हैं, टेस्टी है। और एक और स्पेशल चीज है यहाँ पर, बिरयानी भी है, चिकन बिरयानी, जो कि मेरी सबसे फेवरेट डिश है। क्या बात है, मजा आ जाएगा। अरे राय लिए तुम क्या पहने हो? क्या वाह यार, ये जैकेट तो बड़ी शानदार लग रही है यार। हो गई पुरानी लेकिन दिखती बुरी नहीं है। वाह यार पहनी कब है? क्या बात, क्या बात है। और यहाँ पर रायल भाई की चीजें भी हैं क्योंकि कल इनका फंक्शन है स्पोर्ट्स डे, जो ये बैग लेके जाएंगे। और वाह यार इतनी सारी चीजें, एक तो मैं ले लेता हूँ। अरे दे दो यार भाई यार, नहीं एक भी नहीं मिलेगा। खाना पीना तो हो चुका है, तो यही था आज के व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।